हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं ब्लॉग का। और सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं पिछले ब्लॉग में जिनका पहला लाइक कमेंट आया था। वैसे तो मुझे याद नहीं, मतलब दोनों ने सेम टाइम में किया था तो मैं तो भूल गई मतलब कि किसका पहले था। लेकिन एक थी ब्लॉगर मीरा और दूसरी जो थी वो, उनका हमेशा कमेंट आता है मेरे हर एक वीडियो में, तो वो है नॉलिश नवेलियन जी। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को। इसी तरह से आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करिए और देखने आते हैं वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। चलिए, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है आज, और आज का जो दिन है वो है थर्सडे का। तो कल शाम को पानी चली थी, जैसा कि मैंने बताया ना, बहुत टाइम से अभी हमें मतलब 2 हफ्ते से पानी का अभी इशू चल रहा था। तो फाइनली कल शाम को 7 बजे के करीब पानी जो है चलना स्टार्ट हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा आने में भी लेट हो गया था, तो उन्होंने उधर से ही कॉल करके बोला जब वो ऑफिस से आ रहे थे तो, कि पानी चल रहा है, चलो जाके बाहर देखो। मैं बता नहीं सकती ही, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं मतलब दौड़ के भागी बाहर और जाकर देखा तो सच में पानी चल रहा था। तो बस ना, मैं ना उसी टाइम से मतलब 1 घंटा हम लोग ना बस पानी ही भरने में लगे हुए रहे कि किसी तरह से पानी जो है स्टोर कर ले ताकि फिर ना दिक्कत ना हो। तो वैसे तो पता चला था कि रात के 9 बजे तक चलेगा पानी, लेकिन फिर भी डर बना था कि पता नहीं चलेगा या फिर बंद हो जाएगा। तो इसीलिए किसी तरह से ना इधर उधर से करके हम लोगों ने टंकी को भरा और मतलब 500-600 लीटर पानी जमा कर लिया है। तो आज भी वही है कि बहुत सारा कपड़ा धोना है। और वैसे आज के दिन तो हम लोग साबुन सर्फ करते नहीं, लेकिन फिर भी ना क्या हो जाता है, कभी कभी मजबूरियाँ ऐसी हो ही जाती हैं। अभी बरसात के टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, खास करके धूप के लिए, तो कपड़े सुखाने का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और अगर मैं आज नहीं धोऊंगी तो पता नहीं फिर कल धूप निकले ना निकले। आज भी वैसे धूप है नहीं, हल्की हल्की सी बारिश मतलब जो है हो रही है, लेकिन फिर भी ना धो दूंगी तो फिर वही रहता है कि धोआ जाने के बाद ना अगर 3-4 दिन लगे भी कपड़े धोने में, मतलब नहीं सॉरी सूखने में, तो उसके लिए कपड़े उस टाइम तक रहने चाहिए। तो मेरे पास सारे कपड़े ख़त्म ही होने वाले हैं, एक आध कपड़े बचे हैं जो कि अभी मतलब डेली यूज़ वाला, तो धो दूंगी तो अच्छा रहेगा ना, 2-3 दिन में सूख जाएगा। जितना लेट करूंगी सूखने में भी उतना ही टाइम लगेगा, इसीलिए ना जल्दी से चलिए बना लेते हैं अभी नाश्ता। और क्या बन रहा आप लोग तो देख ही रहे हो। बहुत टाइम से मन कर रहा था कि पास्ता बनाऊं, लेकिन ना फिर हस्बैंड से डांट पड़ती है, जल्दी जल्दी ना पास्ता नहीं खाने को देते हैं, बोलते हैं ये सारी चीज़ें ना मत बनाया करो। तो वैसे तो मैं महीने में 1-2 बार ही बनाती हूँ, लेकिन वो भी ना उनको बहुत लगता है। तो आज उन्होंने ही बोला कि ठीक है बना लो, तो चलिए अगर खुद से बोल देते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने बना लिया है, रात की रोटी बची हुई थी 2-3 ठो, तो वो भी मुझे खाना था इसीलिए थोड़ा कम ही बनाया है मैंने। सब्जियाँ कुछ है नहीं, तो बस यहाँ पर प्याज और टमाटर के साथ ही मैं ज़्यादातर इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ की सब्ज़ी जो है ना इतनी महंगी है कि इस टाइम पे और भी ज़्यादा ना कुछ नहीं डाल सकते, मतलब कुछ में सब्ज़ी नहीं डाल सकते। तो इसीलिए ना जब भी बनाती हूँ टमाटर प्याज के साथ में ही बनाती हूँ, और प्याज टमाटर भी बहुत महंगे हैं, लेकिन इसके बिना फिर ना पास्ता का कोई मतलब ही नहीं रहता। पास्ता ना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, मतलब जब भी मुझे ना मन करता है कि मैं ना पनीर चिल्ली खाऊं, जो फ्राई वाला होता है, ड्राई वाला, वो वाला खाने का जब भी मेरा मन करता है तो मैं यही बनाती हूँ, एकदम ना होटल जैसा लगता है। तो बस नाश्ता के बाद ना मैंने कपड़े भिगो के मतलब रख दिए थे ताकि फूल जाए कपड़े जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह से उठ के मैं कामों में लगी हूँ कि जल्दी जल्दी से सारे काम निकाल लूँ, क्योंकि कपड़े धोने में ज़्यादा टाइम लगते हैं। आज भी कपड़े ज़्यादा ही हो गए थे, वैसे तो बस 2 ही दिन गैप हुआ है कपड़े धोने में, लेकिन फिर भी यही रहता है कि 1 दिन भी कपड़े नहीं धो तो कितने सारे जमा हो जाते हैं, और ये तो 2 दिन की बात है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं ना यहाँ पे सारे कपड़े भी धो करके अभी आ गई हूँ, और सबसे जो पहला काम है वो मेरा यही रहा है कि कपड़े धो रही हूँ। और सुबह में मैंने पोछा लगा लिया था, जैसे रूम्स की साफ़ सफाई की थी मैंने सुबह में ही, टाइम बचा हुआ था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि नाश्ता बनाने से पहले ना मैं थोड़ा सा रूम भी ठीक कर लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, ताकि नाश्ता बनाने के बाद ना सीधा कपड़े धोने में ही लगूँगी। तो यहाँ कपड़ा धो के मैंने सारा डाल दिया है ऊपर में, क्योंकि बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी और फिर ना रुक भी रही थी, तो बादल जो था पहाड़ों में बन जा रहा था, तो डर लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं कि बाहर कपड़े डाल दूं और अंदर काम करते रहूंगी और फिर से बारिश हो गई तो सारा कपड़ा और भीग जाएगा। तो दिक्कत होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही कि बरसात के दिनों में कपड़े सुखाने को नहीं, मतलब धूप नहीं मिलते,
किसी किसी दिन मिला तो कपड़े सारे पहले से धोए रहते हैं, तो अगर आधे घंटे भी धूप निकल जाए तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। इसीलिए हर एक दिन कपड़ा धोती हूँ मैं, चाहे बारिश हो ना हो, धूप निकले या ना निकले, मैं हर दिन धोती हूँ और इकट्ठा कर करके रखती हूँ ताकि एक दिन के लिए भी अगर आधा घंटा धूप मिल जाए तो सारे कपड़े सुखा लूँ। और कल शाम को पानी तो चला था, लेकिन आज फिर ना सुबह में भी पानी चल रहा था, तो मैं ना जो एक टंकी जो लगाया हुआ है डायरेक्ट पाइप उसमें, तो वो भर गया था, तो मैं ना फिर पाइप को इधर लेकर के सामने वाले टंकी में भी मैंने लगा दिया है। जबकि चल रहा पानी तो सारे जगह ना भर के रखूँ ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि इतने दिन जो पानी के बिना रही हूँ ना, इतना डर हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ। पानी भी बहुत कंट्रोल से खर्च कर रही हूँ अभी मैं, तो सारे कपड़े डाल दिए मैंने बाहर निकाल के, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप ना निकल गई थी। तुरंत जैसे ही मैं ऊपर में कपड़े डाली ना, वैसे ही फिर क्या हुआ कि इतनी तेज़ वाली धूप निकली कि फिर मुझे लगा बाहर निकाल के कपड़े डालूं, फिर मैंने सोचा फिर से बारिश होने लगेगी, इसीलिए छोड़ दिया था। लेकिन ना धूप जो थी थोड़ी थोड़ी थी लेकिन निकली हुई थी, तो मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल के डाल दिए हैं। और रस्सी भर गया था ना, जिस वजह से मैंने दूसरे के रस्सी पर भी डाले ताकि किसी तरह से सारे कपड़े सूख जाए। उसके बाद ना अभी आ गई हूँ पीछे के साइड में, तो यहाँ अभी झाड़ू लगाए मुझे 2 दिन हो गए हैं, बारिश लगातार हो रही थी ना, तो ऐसे में ना फिर मैं पीछे में झाड़ू नहीं लगा पाती। बाकी ऐसे ना हर रोज़ मैं लगाती हूँ, अगर बारिश ना हो तो हर रोज़ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन मैं ना 2 दिनों से नहीं लगा पा रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे मुर्गी और बकरी इतने ज़्यादा है ना कि सारे जगह गंदा करके रखे रहते हैं। मैं इधर हर रोज़ साफ़ करती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा आप लोग देख रहे हो ना, घास है, पेड़ पौधा है, और ऊपर से पत्ते इतने गिरते हैं और बारिश भी होती है, और इसी वजह से ना कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम इतना दूर में साफ़ रखूँ ताकि कीड़े अगर आए भी तो दिख जाए और उसको हम लोग हटा सके, घर में कम जाए। इसलिए हम लोग, मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि हर तरफ साफ़ रहे, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा पेड़ पौधा ही है, घास ही है कि चाके भी मैं नहीं रख पाती। तो यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा था, इसीलिए मैंने पानी से धो भी दिया है, और जब तक मैं उधर कर रही थी कुहू को नहला लिया है और पीछे के साइड में धो लिया, झाड़ू कर लिया, और तब तक यहाँ मेरा ये वाला टंकी भर गया था। तो अभी सारे पाइप को ना धो के रखूँगी क्योंकि पानी की वजह से ना थोड़े थोड़े मिट्टी लग गए हैं पाइप में, तो एक पाइप तो अंदर रखती हूँ, कभी कभार निकालती हूँ जब लंबा पानी लेके कहीं दूर जाना पड़ता है, नहीं तो एक पाइप से ही चल जाता है। तो पाइप को धो करके मैंने रख दिया। उसके बाद अभी मैं आ गई थी सुबह, मैंने ये थोड़ा सा चाय बच गया था ना, तो उसी में मैं टोस्ट डाल के मैंने सोचा कि खिला देती हूँ इसको, खा लेगी तो फिर क्या रहेगा कि थोड़ा सा मुझे ना फ्री छोड़ेगी, नहीं तो फिर ना मांगते रहती है मम्मी दूध दो दूध दो। तो इसीलिए मैं यहाँ कप में ही ना एक टोस्ट को डुबा करके और फुला ली थी, और उसके बाद इसको मैं दे रही हूँ खाने के लिए। तो अभी इसका मन था खाने का, तो अभी ना सारा इसने खा लिया, नहीं तो मन नहीं रहता ना, तो एक चम्मच भी ना अपने मन से ये नहीं खाती, या ज़बरदस्ती भी दे दूँ तो भी नहीं खाती, लेकिन यहाँ इसने सारा खाया। और इसको खिलाने के बाद अब ना घर का काम बाकी रह गया है, बाहर का काम हो गया है, जैसे मैंने बाहर धो दिया तो वो भी सूख जाएगा थोड़ी देर अगर धूप निकला रह गया तो, और कपड़े भी सूखते रहेंगे बाहर में, और अब तो बस घर का ही काम बच गया है। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैंने वही काम किया क्योंकि घर का काम है, बारिश भी होगा तो भी कर लूँगी, बारिश नहीं होगा तो भी कर लूँगी, लेकिन अगर बाहर कपड़े अगर नहीं धो के पहले डालूँगी और नहीं सूखेंगे तो फिर दिक्कत होगा। और फ्रेंड्स सच बताओ ना, तो ईटानगर में सबसे जो मौसम, जो सबसे मतलब जिस मौसम में रहना मुश्किल होता है, वो है बरसात का मौसम, क्योंकि बरसात के दिनों में कपड़े सुखाने के लिए भी टेंशन रहता है, फिर क्या है पानी के जो पाइप है वो भी जल्दी जल्दी फटता है, उसके लिए भी टेंशन रहता है, कीड़े इतने ज़्यादा चलने लगते हैं कि उससे भी डर लगता है। मैं तो हमेशा ना कुहू क्या करती है कि दरवाज़ा खुला रहे तो बाहर घास में जाके खेलती है, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, कौन से कीड़े किधर से निकल जाए, सांप कौन सा आ जाए, ये सब चीज़ें सोच करके ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो कि यहाँ बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ा करता है। तो बाकी जो है ठंडा है, तो ठंड में भी ना यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती तो मुझे अच्छा लगता है, और गर्मी में तो काफ़ी राहत मिलती है यहाँ, लेकिन बरसात जो है वो सबसे मुश्किल है यहाँ के लिए। तो चलिए यहाँ पर ना मैंने अपना बिस्तर भी ठीक कर लिया है और कुहू को नहला दिया था, चोटी बना दिया था मैंने, तो चोटी इसका सुबह ही मतलब मैं बनाई थी, उसके बाद मैंने इसे नहलाया था,
लेकिन फिर मैं सोची कि चलो बड़ी मुश्किल से इसने चोटी बनवाया है, तो मैंने इसको खोलूँगी नहीं, बस ऊपर करके ऐसे ही मैंने क्लचर लगा के और बस इसको मैंने नहलाया था। तो अभी इसको रेडी कर चुकी हूँ, तो कुहू से भी मैं फ्री हो गई हूँ। अब बस घर का काम है और मैं किचन में भी उधर चावल दाल चढ़ा रखी हूँ। तो क्या होता है ना कि जब ऐसा कुछ खाना बनाना हो ना, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है, काम ज़्यादा करने का टाइम मिल जाता है। तो चावल दाल उधर मेरा बन रहा है और इधर काम भी जो है ना मेरा होते चला जा रहा है, तो एक साथ दो दो काम कर ले रही हूँ। और आज मुझे ठीक भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे कमर में ना दर्द है, तो इस वजह से ना कपड़े भी धोई हूँ ना, तो एकदम लग रहा था कि मैं कितना थक गई, कितना ज़्यादा मैंने कपड़े धो दिए हैं, एकदम कमर ना सीधा होने का मन ही नहीं हो रहा था। खाना भी बना लिया था, हस्बैंड आ गए थे तो हस्बैंड को खाना दे करके, और अभी मैं बाहर आई थी कपड़े उठाने के लिए, और हवाएं बहुत तेज़ चल रही है और बादल पूरा पहाड़ में बना हुआ है, एकदम इतना तेज़ी से बादल उड़ रहा था ना, तो मैं ना कोशिश कर रही थी आप लोगों को दिखाने की, पर पता नहीं क्यों कैमरे में आ नहीं पा रहा था। वैसे कैमरे की क्वालिटी मेरी उतनी कुछ खास है नहीं, इस वजह से शायद। चलिए अभी ना नहा धो करके मैं आ गई हूँ, और अभी का टाइम जो है वो लगभग 3 बजे का है। अभी सारे कपड़े बाहर से उठा करके लेकर के आई हूँ मैं, और सारे को मैं अंदर ही डालूँगी क्योंकि अब मौसम ख़राब हो चुका है, तो अंदर बाहर कपड़े डालने से ना टाइम भी बहुत ज़्यादा चले जाता है। दिन भर में 4 बार 5 बार कपड़े को बाहर ले जाके डालो, फिर अंदर लेके आओ। तो चलिए आज सारे कपड़े को अंदर ही अब डाल देती हूँ, धीरे धीरे पंखे की हवा में सूखते रहेंगे। सारा काम भी मेरा ख़त्म हो चुका है और आज मुझे ना 4:30 बजे लाइव भी आना है, तो इसलिए सारे काम को ख़त्म कर ली हूँ। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।